इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय रेल के अगले प्रकार के वैगन के बारे में, जिसका नाम है हूपर वैगन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हूपर वैगन क्या है, उसका उपयोग किस किस प्रकार के प्रोडक्ट को, गुड्स को ले जाने में किया जाता है, या फिर कहें कि उसके जो डायमेंशन होती है, जैसे कि लंबाई चढ़ाई ऊंचाई, वह कितनी होती है, और उसका जो वेट वाला है कि उसका भार कितना होता है और कितना वो भार ले जा सकता है, इन सभी चीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। हूपर वैगन ओपन वैगन की तरह है। इसमें जो लोडिंग किया जाता है, जो गुड्स लोड किया जाता है, वह भी ऊपर से ही किया जाता है, लेकिन इसका जो डिस्चार्ज सिस्टम है वह अलग होता है। किसी में वह नीचे की तरफ होता है और किसी में वह साइड डिस्चार्ज होता है, इसलिए इसे अलग कैटेगरी में रखा गया है और जिसका नाम है हूपर वैगन। तो अब हम जानते हैं कि हूपर वैगन के कितने प्रकार होते हैं। तो हूपर वैगन के प्रकार में आता है, एक होता है वह होता है BOBSN, दूसरा होता है वह होता है BOBR वैगन, तीसरा होता है BOBRN वैगन, और चौथा होता है BOBYN वैगन, और अगला जो प्रकार होता है वह होता है BCBFG वैगन। ये सब हो गए इसके प्रकार के बारे में। अब हम समझते हैं कि हूपर वैगन का उपयोग किस प्रकार के गुड्स को, किस प्रकार को प्रोडक्ट को ले जाने में किया जाता है। हूपर वैगन का उपयोग किया जाता है पत्थर को ले जाने में, जिस पत्थर का उपयोग करते हैं ट्रैक के किनारे बिछाने में। दो प्रकार के जो हूपर वैगन होते हैं उसका उपयोग किया जाता है कोयला को ले जाने में, और तीसरे प्रकार के जो हूपर वैगन होते हैं उसको उपयोग किया जाता है जो एस्क होते हैं, कहने का मतलब है जो आयरन के एस्क होते हैं, जिसे ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है और जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं, उस प्रकार के एस्क को ले जाने में भी हूपर वैगन का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हूपर वैगन के एक प्रकार के बारे में, जिसका नाम है BOBSN वैगन। तो इस वीडियो में हम BOBSN वैगन के बारे में लगभग सभी बातें जानेंगे कि BOBSN वैगन का उपयोग क्या होता है, इसमें किस प्रकार के गुड्स को ले जाया जाता है, या फिर कहें कि हूपर वैगन की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, उसकी जो भार क्षमता होती है वह कितनी होती है, इन सभी चीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। BOBSN 22.9 वैगन, इसका जो एक्सल लोड होता है वह होता है 22.9 टन, और इसमें जो बोगी उपयोग की जाती है वह होती है कैसनप 22 NLB बोगी, जिसके स्प्रिंग का अरेंजमेंट होता है वह होता है, आउटर स्प्रिंग की संख्या की बात करें तो वह होती है 14, इनर स्प्रिंग की संख्या की बात करें तो वह होती है 10, और जो स्नबर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 4। इसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है वह होती है 75/75, कहने का मतलब है कि यदि वैगन एम्प्टी कंडीशन में है तब भी उसे 75 किलोमीटर की स्पीड से ले जाई जा सकती है, और जब वैगन भरी कंडीशन में है तब भी उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, या फिर उसे मैक्सिमम स्पीड पर ले जा सकता है, वह हो सकती है 75 किलोमीटर प्रति आवर की। BOBSN 22.9 वैगन, इसको डिजाइन किया गया था 1994 में, और जिसका उपयोग किया जाता है, और जो लोहे के एस्क होते हैं उस एस्क को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए BOBSN वैगन का उपयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं BOBSN वैगन का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है। तो BOBSN वैगन का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है बोगी ओपन बॉक्स रैपिड साइड डिस्चार्ज विद न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। बोगी वह होती है जिसपे व्हील्स लगे होते हैं, बोलेस्टर लगे होते हैं, ये सब होते हैं उसके बोगी के पार्ट्स। दूसरा ओपन मतलब ऊपर से, यह खुली तरह से होती है, कहने का मतलब है कि इसमें जो लोडिंग होगी वह होगी ऊपर की तरफ से, इसलिए ओपन बॉक्स, और दिखने में यह बॉक्स की तरह आकार में होता है, इसलिए इसे ओपन बॉक्स कहा जाता है। रैपिड साइड डिस्चार्ज, कहने का मतलब है कि इसकी जो डिस्चार्ज होगी, इसमें जो प्रोडक्ट को लोड है उसको खाली कर किया जाएगा, वह होगा साइड से, इसमें साइड डोर्स दी होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है रैपिड साइड डिस्चार्ज। और न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम का मतलब है कि जो एयर ब्रेक सिस्टम से चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उन सभी को न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं कि बीओबी एसएन वैगन के कितने प्रकार हैं। बीओबी एसएन वैगन अभी दो प्रकार के उपयोग की जा रही हैं, जिसमें पहला है बीओबी एसएन 22.9 वैगन और दूसरा है बीओबी एसएन M1 वैगन। अब हम जानते हैं बीओबी एसएन 22.9 वैगन के डायमेंशन की, कहने का मतलब उसकी जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, उसकी जो हाइट होती है वह कितनी होती है, इन सभी चीज़ के बारे में। कि जो लंबाई होती है या फिर कहें कि लेंथ ओवर हेड स्टॉक होती है वह होती है 10,668 mm। इसकी जो लेंथ ओवर कपलर्स होती है वह होती है 11,597 mm। इसकी जो लेंथ इनसाइड होती है, लंबाई अंदर की होती है, वह होती है 9,296 mm की। जो इनसाइड विथ होती है, जो अंदर की चौड़ाई होती है, वह होती है 2743 mm। और इसकी जो ओवरऑल विथ होती है वह होती है 3020 mm की। इसकी जो हाइट होती है, इनसाइड हाइट होती है, वह होती है 2042 mm की। और इसकी जो ओवरऑल विड्थ होती है, जो होती है रेल लेवल से, वह होती है 3301 mm की। इसकी जो बोगी सेंटर के बीच की दूरी होती है वह होती है 2260 mm की, या फिर कहें कि 2260 mm की। ये सब तो हो गई उसके डायमेंशन के बारे में। अब हम बात करते हैं उसके मेंटेनेंस सिस्टम की। तो इसके मेंटेनेंस में जो किया जाता है वह होता है POH और ROH। इसका जो मेंटेनेंस में जो POH होगा या फिर कहें कि जो पीरियड ओवरहॉलिंग होगा वह होगा 3 साल में। और इसके जो ROH होती है या फिर कहें कि जो रूटीन ओवरहॉलिंग होती है वह होगी 24 महीने में। हूपर वैगन का जो वैगन कोड होता है 70 से 79 के बीच में। अब हम बात करते हैं कि जो बीओबी एसएन वैगन होती है उसके व्हील का डायमीटर कितना होता है। तो इसके व्हील का जो डायमीटर होता है वह होता है नई साइज में 1000 mm, और जो कंडमिंग साइज होती है वह होती है 906 mm। 906 mm के बाद व्हील को कंडम कर दिया जाता है। बीओबी एसएन वैगन में जो कपलर उपयोग की जाती है वह होती है ई टाइप सेंटर बफर कपलर, और इसमें जो बेयरिंग उपयोग की जाती है वह होती है कार्टेज स्टेपर रोलर बेयरिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेट के बारे में कि खाली में उस वैगन का कितना भार होगा, उसमें कितना वेट लोड किया जा सकता है और दोनों का भार कितना होगा, इन सभी चीज़ के बारे में। इसका जो खाली में भार होगा या फिर कहें कि वैगन का जो खाली भार होगा, टायर वेट होगा, वह होगा 30 टन का। उसमें जो माल लोड किया जाएगा, जो गुड्स लोड किए जाएंगे, वह होगा 61.1 टन की। यदि हम बात करें उसकी टोटल वेट की, जो टेयर वेट और पे लोड दोनों हो, तो वह होगा 91.6 टन की। अब हम समझते हैं बीओबी एसएन M1 के बारे में। इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वह किया गया है इसके एक्सल लोड में। इसके एक्सल लोड को बढ़ा दिया गया है, जो होता है 25 टन का। इसके बोगी में कुछ स्प्रिंग के अरेंजमेंट में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें जो आउटर स्प्रिंग की जो संख्या है वह है 14, इनर स्प्रिंग की जो संख्या है वह भी 14, और जो स्नबर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 4। इसमें जो बोगी उपयोग की गई है, जो ट्रॉली उपयोग की गई है, वह होती है कैसनेप 22 NLC ट्रॉली। अब हम समझते हैं इसके वेट सिस्टम के बारे में, इसके भार की क्षमता के बारे में। तो इसका जो एक्सल लोड होगा वह होगा 25 टन के। इसका जो टेयर वेट होगा, कहने का मतलब खाली में जो वैगन का भार होगा वह होगा 30 टन का। इसका जो पे लोड होगा वह होगा 70 टन का। और इसका जो ग्रॉस वेट होगा, ग्रॉस लोड होगा, वह होगा 100 टन का। इसकी जो परमिसिबल स्पीड होगी वह होगी 55/60 की। कहने का मतलब है जब वैगन भरी कंडीशन में कहीं जा रही है तो उसका जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगा वह होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, और जब वैगन खाली कंडीशन में है तब उसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी वह होगी 60 किलोमीटर प्रति आवर की। इस वैगन को हाई एक्सल लोड वेरिएंट ऑफ बीओबी एसएन वैगन कहा जाता है विथ NLC बोगी। कहने का मतलब है कि NLC बोगी के साथ इसका जो एक्सल लोड है उसे बढ़ाया गया है। मुझे लगता है कि अब आपको हूपर वैगन और हूपर वैगन के एक प्रकार जिसका नाम है बीओबी एसएन वैगन, उसके बारे में लगभग सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।